गोटेगांव में सभी 11 जन शिक्षा केंद्रों में राष्ट्रीय उपलब्धि की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विषयवार शिक्षक कोर कमेटी के सदस्यों जन शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी एवं रणनीति का कार्य किया गया। शिक्षकों के द्वारा लाए गए कठिन बिंदुओं पर चर्चा कर उनको हल किया गया। बीएससी योगेंद्र द्वारा जन शिक्षा केंद्र करक बेल एवं खमरिया में शिक्षकों से संवाद कर एनएएस में आने वाली कठिनाइयों को हल किया। एनएएस कंट्रोल रूम के विषय में शिक्षकों को जानकारी दी गई। उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य राकेश अवस्थी के द्वारा शिक्षकों से संवाद किया गया। बैठक में केसी नामदेव, आरपी चक्रवर्ती, संजय साहू, मनीष राज जैन, अजीत कुमार सोनी, संपूर्ण कुमार दीक्षित शिक्षकों ने विश्लेषण प्रपत्र के आधार पर कठिन प्रश्नों का निराकरण किया। हमारे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? इस परीक्षा के आयोजन से हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को क्या लाभ मिलने वाला है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ वैकल्पिक और अभी तो चाय गया साहब आया है और निवासी के बारे में जानकारी और बताइए। बच्चे ये कॉलेज परफेक्ट करते हैं हमारे, हाँ उनको बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही होता है, हाँ आसानी से अपन उनसे गणित पढ़ाते हैं, इनको भी बड़ी बात नहीं मालूम होगा। बाकी देखिए मेरा उद्देश्य आज यहाँ बैठने का केवल इतना लिमिट में नहीं था, मेरा उद्देश्य ये है कि ये मैथ्स का जो कार्यक्रम है बहुत दिन से चल रहा है, तो मुझको भी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल मैडम का निर्देश मिला है कि आपके संकुल के अंतर्गत जेएसके के अंतर्गत जो भी विद्यालय हैं खासकर स्कूल की व्यवस्थाएं तो सेकेंडरी हैं, बट मैथ्स जो है उनके दिमाग में ये को रखा है कि इसकी तैयारियाँ जो है आप चिन्हित करिए, निरीक्षण करिए और किस स्कूल में क्या गतिविधि हो रही है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ आपको लगता है कि और सुधार की गुंजाइश है, ये मुझको एक प्रतिवेदन आपके द्वारा चाहिए है। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है और मेरा भी दायित्व बनता है कि मेरे संकुल या जन शिक्षक हैं जो भी विद्यालय संचालित हैं, कोशिश तो मैं करूँगा 12 नवंबर के पहले कि चिन्हित स्कूल जो है गोपाल स्कूल जो है उन पर मैं निरीक्षण करूँ और देखूँ इसको जमीन।